वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए आज अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुलतवी। शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कल कौम से अलविदाई खिताब का इम्कान। कौम से खिताब में 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ ने। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकरर के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया। पीएम हाउस से अपना जाती सामान लेकर आए। सैनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। हल्फबरदारी की तकरीब कल होगी। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और मैंने तीन तीन नाम दिए। शहबाज शरीफ ने मेरे दिए गए नाम पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से हो। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरती अमल में तआवुन पर अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। सोलामा बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की कारकर्दगी पर भी शुक्रिया अदा किया। हमें नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। बेहतर होता कि हम किसी और शख्स का इंतखाब करते। खुर्शीद शाह कहते हैं कि जहां से भी नाम आया हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात की खबर गलत है। हमने शहबाज शरीफ को नाम तजवीज़ करने का इख्तियार दिया था। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासतदान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना जमहूरी अमल की तकवीत का बाइस बनेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरी पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप को बयानबाजी से रोक दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक हिदायत बाज रहनुमाओं के रिमार्क्स की वजह से जारी की गई। बयानात से जाहिर हो रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी को अनवारुल हक काकड़ पर कुछ तहफ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी की नाराजगी का तासुर भी कायम हुआ। पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ किसी भी कन्फ्यूजन या इख्तिलाफ का तासुर नहीं देना चाहती। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का तकरर। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आला सिंध और अपोजिशन लीडर से मुलाकात हुई मगर कोई नाम पेश न किया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अगर मेरे और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। वहां भी कोई फैसला ना हो सका तो फिर गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखर मजबूत उम्मीदवार। अपोजिशन की जानिब से शुएब सिद्दीकी यूनस ठागा और सफदर अब्बासी के नाम तजवीज। निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान कौन होगा? मुशावरती अमल शुरू। वज़ीर-ए-आला अब्दुल कद्दूस बसिंजो की अपोजिशन के साथ मुशावरत। JUI ने उस्मान बादीनी का नाम तजवीज कर दिया। BNP के मीर हमल कलमती का नाम दे दिया। नसीर बसिंजो, एजाज संजरानी, शब्बीर मैंगल और आसिफ दुर्रानी भी दौड़ में शामिल। आज रात तक निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर हतमी फैसला होने का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आला की तकरीरी तक अब्दुल कद्दूस बसिंजो काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ से एक और अलहदगी। साबिक MNA मुनज़्ज़ा हसन का पार्टी को खैरबाद कहने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मुज़म्मत। कहती हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सरकारी और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की भी मुज़म्मत करती हूँ। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी फौज पर फख्र है। बैरून मुल्क से वापसी पर मुनज़्ज़ा हसन की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत पर अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक शहरी ने राजा बिशारत से 1,30,00,000 रुपए की जमीन खरीदी। राजा बिशारत ने रकम वसूल कर ली मगर जमीन उनके नाम नहीं थी। और आप आजादी का जश्न कैसे मनाएंगे? क्या तैयारी कर रखी है? गाड़ी कैसी सजाई? घर की आराइश कैसे की? सब हिलाली पत्थर के साथ तस्वीर बनाएं, मिली नगमा गुनगुनाते हुए मुख्तसर वीडियोस बनाएं और हमें भिजवाएं। हम आपकी तैयारी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। GNN का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।